नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार सिंह, संत जोसेफ स्कूल इटारी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.5। ठीक है, 12.5 देखिए, 12.5 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन से कथन समीकरण चर संख्याओं के है। सकारण उत्तर दीजिए, समीकरणों के संबंध चर भी लिखिए। देखिए, आपका जो सवाल दिया है 15 = x + 18, वहाँ आपको बताए हैं ए बी सी डी के जितने अक्षर होते हैं वो चर होते हैं। गिनती की जो संख्या होती है वो क्या होती है? अचर होती है। इसमें देखिए, अचर वाला भी दिया है और चर वाला भी दिया है, तो पूछ रहा है कि समीकरण कैसा है, तो समीकरण चर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? हाँ है। आंसर क्या हुआ? हाँ है। कैसे है? तो चर जो हमारा क्या है, एक्स है। चर हमारा क्या है, एक्स है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह और सवाल है, जैसे एक हम बता देते हैं, सवाल नंबर आपका सी देख लीजिए, 9/3 बराबर 3 है। देखिए, इसमें कोई चौराशि नहीं है, इसमें कोई चौराशि नहीं है, इसका आंसर होगा नहीं। आंसर क्या होगा? नहीं। जिसमें ए बी सी डी के अक्षर आएंगे वही चर होगा, जिसमें नहीं आएंगे वो अचर होगा। इसमें आया था एक्स, ये चर है। हाँ चर है। इसमें नहीं आया है तो क्या हो जाएगा? ये नहीं है। ठीक है, और भी आगे सवाल है आप लोगों को बनाना है, और भी आगे सवाल है आप लोगों को बनाना है। ठीक है, जैसे देख लेते, जो जैसे देख लीजिए डी सवाल देख लीजिए, इसका 8 × 5 − 12 = 28, क्या ये चर है? क्या ये चर है डी? तो क्या होगा आंसर? नहीं है। क्यों नहीं है? जब प्रश्न आएगा कि क्यों नहीं भाई, इसमें देखिए चर यानी ए बी सी डी के एक भी अक्षर इसमें नहीं है, सब अंक ही दिया हुआ है, इसीलिए क्या है, चर नहीं है। इसीलिए क्या है, ये चर नहीं है। ठीक है, तो ये था पहला का कुछ सवाल, आपको और भी बनाना है। ठीक है, आपको भी बनाना है। इसी तरह चलते हैं सवाल नंबर 2 में। देखिए, सवाल नंबर 2 आपका पता मिल गया है। देखिए, आपके पास किताब होगा, हम ब्लैक बोर्ड पर कितना सवाल लिखे। देखिए, सवाल कह रहा है 2 कि सारणी के तीसरे स्तंभ में प्रविष्टियों को पूरा करें। देखिए, आपका सवाल दिया हुआ है। ठीक है, आपका सवाल दिया हुआ है, यहाँ दिया है क्रम संख्या, समीकरण, चर का मान, समीकरण संतुष्ट है, संतुष्ट में देना है हाँ या नहीं, संतुष्ट है कि नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ आपका ए सवाल दिया है 5x = 25, क्या दिया है, 5x = 25, इसको हमको हल करना है। देखिए, इसको हल कैसे करते हैं, यहाँ देख लीजिए आप लोग, आपका जो सवाल दिया था दूसरा का ए दिया है 5x = 25, तो x = 25/5 यानी कि 5 × 25 यानी कि x = कितना आ गया 5 आ गया। और आपको किताब में दिया है x = 3, तो क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। कैसे नहीं है? देखिए, इसमें हम बना देते हैं कि 5x = 25 दिया है, तो x = 25/5, 5 × 25 यानी कि x = 5, हमारा मान आ गया x = 5, और इसका दिया है x = 3, तो इस बराबर है? नहीं है। तो हम क्या है, संतुष्ट नहीं है। ठीक है, समीकरण क्या है, संतुष्ट नहीं है। इसी तरह आपको इसको बनाना है, 5x = 25 दिया है और उसको कराएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो क्या है, संतुष्ट है? तो नहीं है। तो इसमें भी संतुष्ट नहीं है, यानी ये भी दूसरे में भी क्या होगा, नहीं होगा। तीसरा देखिए, जो दिया है सी 5x = 25, तो एक्स का मान कितना आया है, 5। हाँ, तीसरे में क्या हो जाएगा, हाँ, यानी कि पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, और सी में हाँ। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा नहीं, इसमें हो जाएगा नहीं, और इसमें हो जाएगा हाँ। उसी तरह आपको पूरा सवाल बनाना है। ठीक है, सबका 3-3 दिया है, देखिए इसका भी 3 दिया है, ये भी 3 दिया है, ये भी 3 दिया है, और ये भी 3 दिया है, तो इसमें से 2 नहीं नहीं है और 1 हाँ है।
तो जो हाँ है उसके सामने हाँ लिख देना है, जो नहीं है उसके सामने नहीं लिख देना है, ठीक है। इसी तरह सवाल बनेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कल के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.5 का तीसरा सवाल और उसके आगे। आज हम लोग पढ़े हैं पहला और दूसरा। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।